देखो दोस्तों, अगर दो अंकों की संख्या है उसको दो रखकर चार अंकों की संख्या बनाई जाती है, जैसे 25 25 है, ये दो अंकों की संख्या है, इसको रिपीट करके चार अंकों की बना दी 35 है, तो 35 35 करके चार अंकों की संख्या बना दी 42 42, तो चार अंकों की संख्या इस टाइप से बनाता है। तो यह संख्या हमेशा किससे विभाजित होगी? तो देखो, एक 1001, 101, 10001, 101, 01। तो पहले एग्जांपल 25 25 वाला देख लेते हैं। अब देखो, इसमें आपको कॉमन लेना आना चाहिए, अक्ष स्क्वायर, इसमें आप कॉमन ले सकते हो, लेकिन संख्या में कॉमन कैसे लेना है? जैसे 2525 है, तो मैंने इसको ब्रेक किया 2500 और ये 25, इस टाइप से ब्रेक कर लिया। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? इसमें भी 25 है, इसमें भी 25 है, तो मैंने 25 कॉमन ले लिया। जैसे 25 कॉमन लेऊंगा तो यहाँ पे ऊपर तो क्या बचेगा, 100, और यहाँ पे कॉमन लेऊंगा तो एक, तो ये तो हो जाएगा 25, और यहाँ पे देखो 100 प्लस 1, ये हो जाएगा 101। तो यहाँ पे देखो संख्या किससे विभाजित होगी, 101 से विभाजित होगी, तो ऑप्शन बी इसका हो जाएगा सही। अब देखो एग्जांपल और लेते देखते हैं, जैसे 42 42 है, इसको ब्रेक किया मैंने 4200 प्लस 4200, तो ये 4242 ही रहेगा। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? 42 कॉमन आ रहा है, यहाँ से तो 42 कॉमन आ गया, तो यहाँ पे 100 बचा, यहाँ पे 42 कॉमन आ गया, तो यहाँ पे 1 बचा, तो ये तो 42 हो गया, 100 प्लस 1, ये हो जाएगा 101। तो यहाँ पे क्या आएगा, 101। अगर दो अंकों की संख्या है उसको दो बार रिपीट किया गया है तो वो हमेशा 101 से विभाजित होगी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 101। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।